जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मैं हर्ष गोयल कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से, और बाबा श्याम के जन्म उत्सव के बाद अब छुट्टी मिली है तो श्री माता वैष्णो देवी मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। और मेरे साथ बहुत से भगत जन जा रहे हैं। देखो ये मेरी बहन है और ये इसकी बहन है तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखो पहला व्लॉग बना रहा हूँ, कोई गलती मुँह से निकल जाए तो क्षमा कर देना, ओके। अभी हम स्टेशन पर घूम रहे हैं, लगभग हमारी जो ट्रेन है वो 9:40 के आसपास है। ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस है, हमने एसी बुकिंग करी हुई है। तो जब तक ट्रेन का इंतज़ार नहीं, इंतज़ार ख़त्म होता है तब तक हम थोड़ा घूम रहे हैं, देख रहे हैं। फिर चले, पक्का चले, चले ना, यही छोड़ जाएंगे आपको, देख लो पक्का। जय श्री श्याम, जय माता दी। लगभग ट्रेन में बैठे हैं, अलग अलग सीटें दे दी गई है इन्होंने, अब एक वहाँ बैठा है एक वहाँ बैठा है, तो हम थोड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं कि कहीं से हमें एक साथ बैठ जाए। बाकी देखते हैं, माता की इच्छा, जैसे जाएंगे वैसे चलेंगे। बाकी आप सबका दिन भी शुभ हो। लगभग मेरा 11:30 हो रहे, 11:30 बजने वाले हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जय माता दी। अब लगभग हम सबको एक साथ सीट मिल चुकी है, बड़ी मुश्किल से मिली है। हम लगभग जलंधर पहुँचे, जलंधर मिले, वहाँ जाके मिली ये सीट। आगे की वीडियो आप सब तक पहुँचती रहेगी, तो आप सब सतर्क जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री श्याम, जय माता दी। जय श्री श्याम, ग्राम पहुँच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। लगभग 5:36 हो गए हैं, इसके बाद हम यहाँ से कैब करेंगे और उसके बाद कटरा में रूम लेंगे, उसके बाद जैसी माई मैया की इच्छा होगी वैसे चलेंगे। जय श्री श्याम, जय। और ये देखिए वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन, मेरे ख्याल से अब तक का जब से हम चले हैं अम्बाला से, तब तक का सबसे साफ और सुथरा माँ वैष्णो देवी का ये रेलवे स्टेशन। देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। ये हमारी ट्रेन श्री शक्ति, और ये हम सब, ये बुखड़, और ये जो है ये अभी सो के उठा है, और सो के उठने के बाद इसकी हरकतें देख सकते हैं। और ये सारे देखिए, ये हमारे साथ है। श्याम, जय माता दी। और हम कटरा में पहुंच चुके हैं, हमने होटल का रूम ले लिया है, और लगभग अगर आप सीजन में आते हैं तो आपको ये रूम 1400 से 1500 में मिलेगा, और अगर आप बिना सीजन के आते हैं, खाली आते हैं, तो लगभग आपको ये रूम 1000 के आसपास आपको मिल जाएगा। रूम हमने ये रूम 1000 में लिया है, तो लगभग एक दिन दो दिन के लिए। तो आप सबसे अनुरोध, अगर जल्दी आए तो देखिए। जय श्री बालाजी। और लगभग सुबह के 9 बज गए हैं, और हम आए हैं मनोरंजन भोजनालय, यहाँ का सबसे फेमस ढाबा है, जहाँ पर सुबह के परोठे मिलते हैं और बहुत 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 बढ़िया मिलते हैं। आप जब भी आए यहाँ पर जरूर आए। और अच्छे हैं। और इसी के साथ हमारी यात्रा शुरू हो गई है, हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। इसके बाद माता की यात्रा करेंगे, और आपको लगभग शहर का सारा जो भी नज़ारा होगा, जो भी व्यू होगा, सब बताएंगे। अब लगभग टाइम बच चुका है, 6 बजे, सुबह के 6 बज रहे हैं, और हमने यात्रा शुरू कर दी है। सभी को जय माता की, जय माता की, जय माता की। और इसके लिए भी ट्रोलर ले दिया है। जय श्री श्याम, जय माता दी, जय श्री बालाजी। और हमारी यात्रा शुरू हो गई है, लगभग 6 बजे है सुबह के, और ऊपर माता के भवन में सुबह की जो आरती है वो होने वाली है। आप सुन भी सकते हैं, पीछे कीर्तन चल रहा है मेरे। और पूरी यात्रा में जो भी होगा हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे अनुरोध, जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, जस्ट अभी हम बाणगंगा से चले हैं, बाणगंगा से चलने पर व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ का क्या है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। एवं क्या, तो जय माता की, जय माता की।
आप भी कह दो जय माता दी। लगभग 9 बज गए हैं और हम लगभग अर्धकुंवारी क्रॉस कर चुके हैं। सूरज की अभी किरण नहीं आ रही है, मौसम लगभग ख़राब भी है और सही भी है, लेकिन हमारे अनुसार मौसम बहुत सही है। अगर धूप होती तो शायद हम चल ना पाते, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। यहाँ का नज़ारा, भैया की पावन धरती कटरा की ये भूमि बहुत प्यारी व्यवस्था की हुई है, आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। हम अब रुकेंगे जाकर हिमकुटी, वहीं पर हम अपने आज सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे टाइम तो लंच का हो जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे हिमकुटी पे। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। और हम लगभग माता के भवन से 1 किलोमीटर दूर है, मेरी माता का भवन आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में। देखिएगा बहुत सुंदर नज़ारा मेरी माता के भवन का, बहुत प्यारा नज़ारा है। आप भी जोर से जोर देखिएगा अगली वीडियो। जय श्री श्याम, जय माता। जय श्री बालाजी, जय माता दी। माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हम चले हैं भैरव घाटी। और आप जो सब जानते हैं, ये देखो समझ गए होंगे कहाँ बैठा हूँ मैं, आप सब जानते हैं ये सारे हमारे साथ है। ओके, और हम चल गए हैं भैरव घाटी की ओर। जय माता दी। जय माता दी। और इसी के साथ हम केबल कार के द्वारा ऊपर पहुंच गए हैं भैरव घाटी। लगभग यहाँ से कुछ नहीं, ज़्यादा 10 मीटर की दूरी पर भैरव घाटी है। और इसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन कर रहेंगे। और ये हमारे साथ ये सारे प्रेमी, ये देखिए ये यहाँ से आए हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने भैरव घाटी है। जय श्री बालाजी, जय माता दी। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के बाद, माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम सब पहुँचे हैं पटनी टॉप। बस अभी हम रास्ते में हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए आप कैसा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। जो वो पीछे पहाड़ है वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और हम बिल्कुल सामने जा रहे हैं, वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। वहाँ का नज़ारा भी आपको जरूर से जरूर दिखाऊँगा। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो मुंह मत बनाया करो यार। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय माता दी। और हम पहुंच गए हैं नथी टॉप। ये बिल्कुल हम टॉप व्यू पर है, देख सकते हैं बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए ये जो पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ी, ये श्रीनगर की पहाड़ी है। और जो आप इधर देख रहे हैं वो दूसरी पहाड़ी है, वहाँ पर अभी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं, यहाँ पर लगभग देखते हैं कैसा रहेगा। और लगभग बहुत प्यारा व्यू है, अगर आप फोटो देखेंगे तो बहुत बहुत प्यारा व्यू है। आपको दिखाता, देखिए पीछे
डग आविश बाबू श्री श्याम जशी बाला जी जय माता दी और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है और अब हम वापस अपने घर की ओर अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आने वाली है। लगभग 9:55 का टाइम है। उसके बाद सीधा मिलते हैं कुरुक्षेत्र। श्याम जशी बाला जी जय माता दी और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। लगभग 15 मिनट पहले खुलेगी, अभी दरवाजे बंद है, 15 मिनट पहले खुलेगी और देखते हैं उसके बाद क्या सीन होगा रास्ते का, आपको सब दिखाएंगे। और कल की हाजिरी करनाल में मैया के चरणों में ही। इसी के साथ मिलते हैं कल को करनाल में। अभी हम चले कुरुक्षेत्र की ओर। जय श्री श्याम जय माता।